हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आए एक नई रेसिपी के साथ। ये बहुत ही क्रिस्पी होती है, आप आवाज़ सुन पा रहे हो, और बहुत ही झटपट आसानी से बन जाती है। चीज़ कॉर्न रोल। तो इसे बनाने के लिए पहले हमने दो बड़े आलू बॉईल कर लिए थे। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा आलू लीजिए। अब इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे। आपके पास अगर ये मौजूद नहीं है मैशर, तो आप इसके बदले हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिए कि सारी गुठलियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएं। आलू बॉईल करते समय इस बात का ध्यान दीजिए कि आलू बहुत ज़्यादा ना बॉईल करिए, क्योंकि फिर बाद में ये फ्राई करने की टाइम इसमें पानी रह जाता है और उतना क्रिस्पी नहीं बनता है। ये भुट्टा हमने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था, हम लोग ने एक बोल में लिया है भुट्टा। आपको ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा लीजिए। और यहाँ पर हमने आधा चम्मच डाला काले मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, और एक चम्मच डाला हमने चिली फ्लेक्स। आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा चम्मच ऑरिगेनो डाला है, और इसमें हमने यहाँ पे मोज़ेला चीज़ यूज़ की है। आपको अगर ज़्यादा और चीज़ डालना है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और एक चम्मच मेयोनीज़, एक चम्मच यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए। पे हमने थोड़ी सी ब्लॉक ग्रेटेड चीज़ भी लिया है, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। तो देखिए अब ये रेडी हो गया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया है मिक्स अच्छे से। अब रोल बनाने से पहले हमने अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि ये अच्छी तरीके से बन जाए और स्टिक ना हो। आपको अगर ऐसे लंबे रोल नहीं बनाना है, टिक्की जैसा बनाना है या गोल बनाना है, आप वैसे भी बना सकते हो। जैसा आपका शेप मन करे बनाने का या घर में सबको पसंद है, आप उस तरीके का बनाइए। वीडियो में आप देख सकते हैं हमने किस तरीके का बनाया है। बस तेल का थोड़ा सा हाथ में तेल लगाइए, फिर बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये हमारा रोल बन के हमारा तैयार हो गया है। अब हम कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट इसे फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बनने के टाइम और क्रिस्पी बने। यहाँ पे हमने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं ब्रेड क्रम्स के लिए, जो कि कोटिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। अब इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है। ये देखिए ब्रेड क्रम्स हमारा तैयार हो गया है कोटिंग के लिए। जितना आप बारीक पीसेंगे उतना ही अच्छा कोटिंग इसकी बनेगी। यहाँ पे हमने कोटिंग के लिए अब लिया है 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और आधा चम्मच हमने इसमें मिलाया था मैदा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि हमें इसे ठीक ही रखना है। और इसमें हम फोक का चम्मच का इस्तेमाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फोक के चम्मच से ना गुठलियाँ नहीं रहती हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। हमारा ये मैदा कॉर्नफ्लावर कोटिंग रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें जो हमारा चीज़ कॉर्न रोल था वो हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है, अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। तो इसे पहले डिप कर देंगे, फिर उसके बाद में हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। आपको चाहिए तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हो, फिर से और एक बार डिप करके फिर से और एक बार ब्रेड क्रम्स लगा सकते हो। उससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही बार किया था। डबल बार करने से ये भी होता है कि जो अंदर चीज़ है या कॉर्न है वो फटके बाहर नहीं आते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप डबल बार भी कर सकते हैं। ये तेल ऑलरेडी गर्म था, लेकिन हमने इसे स्लो फ्लेम पर रखा है, फास्ट पर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कॉर्न यानी कि भुट्टा और आलू दोनों ही हमारा बॉईल है। तो इसे फास्ट पे नहीं रखना है क्योंकि इसमें चीज़ भी है, वरना चीज़ निकल के बाहर आ जाएगी। तो इसे स्लो पे अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा कॉर्न चीज़ रोल बनके तैयार है। लग रहा है ना काफ़ी टेम्पटिंग? ये बहुत ही अच्छा बना था और बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाता है। बाहर ये काफ़ी महंगा मिलता है। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी भी बना था। हमारा चीज़ कॉर्न रोल बनके एकदम तैयार है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ जैसे पसंद करते हैं वैसे खाइए। बच्चों का तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपको ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
थैंक यू।